हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जाम सिकी। मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और आनंदित होंगे, और आने वाले समय में भी परमेश्वर आपको आशीषित रखेगा। हालेलुया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज संडे है और आज खामरा चर्च अंकुर रोड मिनिस्ट्री में मीटिंग थी, और आप लोग भी, कई लोग भी उस मीटिंग में गए होंगे, सब लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया होगा। हालेलुया। आप लोग, कई लोग समझते होंगे कि आज अपोस्टल जी चर्च में नहीं आएंगे, हम भी यही समझ रहे थे, और आज अपोस्टल जी ने हम सबको सरप्राइज़ दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड से ही लाइव होकर सब लोगों के लिए प्रार्थना की, सब लोगों को वचन दिया, और वहां से ही सब लोगों को प्रभु भोज दिया। हालेलुया। आज की मीटिंग इतनी ब्लेस्ड थी कि हर एक जन पर पवित्र आत्मा उतरा, हर एक जन पर परमेश्वर की ओर से ऑयल उतरा, वो अभिषिक्त ऑयल जिनको परमेश्वर ने, उन लोगों को परमेश्वर के दूतों ने हर एक जिन कई जनों के ऊपर उडेला। हालेलुया। और इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग, इतनी ज़्यादा बरकत आज चर्च में शाई हुई थी। परमेश्वर की दासी भी हम सबके साथ लाइव होकर उन्होंने हमें ऑफरिंग की महत्ता समझाई, ऑफरिंग और बीज बोने की महत्ता समझाई कि वो हमारी ज़िंदगियों में कैसे कार्य कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने सब लोगों के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर के दास बता रहे थे कि मैं न्यूजीलैंड में ही हूँ, मैं अभी वापस आना चाहता था, पर यहाँ पर जब, जो कि क्रूसेड के एक दो दिन बाद ही, इतनी भारी बारिश आई कि हर जगह बार आ गई, हर जगह, हर, जैसे हमारे इधर हर बोलते हैं, वहाँ बार, पानी की बार आ चुकी है, और हर जगह पानी ही पानी हो चुका था। यहाँ एयरपोर्ट पर सारी लाइटें एयरपोर्ट की पानी की वजह से ख़राब हो चुकी, इस वजह से हम वापस नहीं आ पाए, इस वजह से सारी फ्लाइटें जो कि मंडे तक रद्द कर दी गई थी, और जैसे ही इधर फ्लाइटें शुरू होंगी अगले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के बीच में होगा। हालेलुया। वैसे ही आज परमेश्वर के दास ने हम सबको प्रोफेटिक वर्ड दिए, ये वर्ड वो कई चीज से पहले भी उन्होंने हमें बताए थे, और आज भी उन्होंने वही हमें वर्ड्स दिए कि उन्होंने बताया कि मैं जैसे प्रार्थना में था और परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था, जैसे कि मैं न्यूजीलैंड के लोगों को भी पिछली बार जब आया था तो मैं उन्हें प्रोफेटिक वर्ड देकर गया था कि यहाँ सब सूखा सूखा है, जब न्यूजीलैंड ब्रांच खुलेगी तो उसके कुछ दिन बाद ही बहुत सारी बारिश आएगी, जो कि वो वर्ड पूरे हो चुके हैं और लोग बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुश हैं। हालेलुया। वैसे ही उन लोग, वैसे ही परमेश्वर के दास ने हम लोगों को भी एक वर्ड दिए, प्रोफेटिक वर्ड दिए कि आने वाले समय में, जैसे कि पहले भी उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। हालेलुया। पैसे को कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ सोने और चांदी और गांवों, गायें, बैल, सब पशुओं और ज़मीनों की वैल्यू होगी। हालेलुया। ना कि पैसों की, पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने बताया कि आप सब परमेश्वर के सुसमाचार में ध्यान दें, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर जाएं अपने परिवार में, तो सिर्फ परमेश्वर के समाचार में ही लगे रहें। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने हम लोगों को ऐसे परफेक्टिक वर्ल्ड दिए और सब लोगों के लिए इतनी प्रार्थना की और सब लोग ब्लेस्ड हुए, कई लोग गवाहियों से भरे। हालेलुया। और परमेश्वर के दास कुछ ही दिनों में हमारे बीच में होंगे और हमारे साथ फिर से वो चर्च में होंगे। हालेलुया। सबको जाम सीखी, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ भरेगा और आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि परमेश्वर का सुसमाचार सच जगत में फैले। आमीन।